न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। या राहुल गांधी के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की भी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। क्या राहुल गांधी की तरह अब खड़गे से भी उनकी सांसदी छीन ली जाएगी? दरअसल ये दावा लगातार किया जा रहा है क्योंकि जहां एक ओर मोदी सरनेम मामला जो कि मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा था, उन्हें दोषी करार किया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई और उसी के चलते 24 घंटों के अंदर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। हाल ही में यानी कि अगर यहाँ पर हम बात करें बीते 8 जुलाई की, जो यहाँ 8 जुलाई को राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की सराहना की और सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया, पुनर्विचार की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। उसके बाद से अब खड़गे पर भी ये तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि मानहानि का मुकदमा तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी दर्ज है। दरअसल उनके खिलाफ ये मामला दर्ज है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो यहाँ उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा सीधे ठोक दिया गया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और अब आपको बता दें कि ये मुकदमा कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि साल 2023 में हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान एक बयान दिया गया था खड़गे के द्वारा, जिस पर सीधे नाराजगी जाहिर की है बजरंग दल। हम सभी जानते हैं बजरंग दल के काफी बड़ा समुदाय है और बजरंग दल ने सीधे आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में सीधे बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठनों से की है, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और उनके खिलाफ ये मुकदमा पंजाब के संगरूर कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर एक बार फिर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है सांसदी को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा है जो संगरूर कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कोर्ट ने एक कड़ा समन जारी किया था जिसके मुताबिक उन्हें कोर्ट में पेश होना था और तभी से ये कयासों का दौर तेजी से लगता हुआ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें यहाँ पर अगर जस्टिस मनु सिंघवी की, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से मनु सिंघवी ने, यानी कि कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने सीधे इस मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी राहत देने का काम किया, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के बाद अब सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे की सांसदी पर खतरा बन जा रहा है। राहुल गांधी की तरह अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सदस्यता रद्द हो जाती है, अगर वो इस मामले में दोषी करार किए जाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी ये मानहानि का जो मुकदमा चल रहा है इसमें अगर कोर्ट उन्हें दोषी करार करता है तो क्या उनकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी? ये सवाल लगातार उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी को लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी को ये पूरी उम्मीद थी कि गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, कोर्ट उनके समर्थन में फैसला सुनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर किसी को उम्मीद थी कि राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला, माफ कीजिएगा, मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट उनके समर्थन में फैसला सुनाएगा, जिसके बाद राहुल गांधी अपनी सदस्यता वापसी के लिए अपील करेंगे और शायद साल 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति को खराब कर दिया। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने वाले हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके समर्थन में फैसला सुनाएगा, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब इस तरह के कानूनी पचड़ों में फंसने वाले हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ही ऐसे नेता नहीं है कांग्रेस के जिनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। जो यहाँ कर्नाटक में यहाँ पर अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा चल रहा है।
तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा चल रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वो दिग्गज नेता जिनके हाथों में कांग्रेस की कमान मानी जाती है, वो सभी कहीं ना कहीं ऐसे मुकदमों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस इससे सीधी सीधी केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी की साजिश बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भाई अगर गलत बयान देंगे तो सजा तो होगी ही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्यों यहाँ पर अगर बात करें तो विपक्षी दल के नेताओं को ही मिल रही है, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान नहीं देते, क्या उनके खिलाफ मुकदमे नहीं चल रहे हैं? लेकिन क्या किसी भी नेता को लेकर के देखा गया कि मानहानि के मुकदमे में उसे 2 साल की सजा हुई हो और उसकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया हो? लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा हुआ और अब राहुल गांधी के बाद सीधे सीधे तलवार लटकती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। अब देखना यही होगा कि क्या राहुल गांधी के बाद अब सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी सदस्यता से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बजरंग दल ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साफ तौर पर बजरंग दल का कहना है कि जो बयान यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, यानी कि कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रहा था उस दौरान ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया, जिसमें बजरंग दल के मुताबिक खड़गे ने सीधे सीधे बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठनों से की। और अगर इस बयान को सच माने तो ये वाकई में काफी ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी है और इससे बजरंग दल की भावनाएं काफी ज्यादा ठेस पहुंची है। और इसे को लेकर के पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चल रहा है। आज उस मामले में कोर्ट की तरफ से जो कड़ा समन जारी किया गया था उसके बाद सुनवाई हुई, सुनवाई का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन सवाल लगातार क्या अब राहुल गांधी के बाद सीधे सीधे यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी है? क्या आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? और अगर राहुल गांधी की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे की भी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व आखिरकार क्या बचेगा? क्योंकि अगर बात करें तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एक कह सकते हैं कि धरोहर को संभालने का काम कर रहे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के विवाद को सुलझाया, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच चल रहे विवाद को खत्म किया, और अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अगर राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मानहानि के मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं और अगर उनकी भी सदस्यता रद्द हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी का आखिरकार अगला कदम क्या होगा? हालांकि आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी सांसदी गंवाने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।